नमस्कार, मैं सुनीता विश्वकर्मा आपका इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। चलो बच्चों, अभी हम सीखने वाले एबेकस। एबेकस क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एबेकस ये है आउटर फ्रेम, ये है सेंटर पॉइंट, ये जो ऊपर के बीच से इसे बोलते हैं अपर बीच, और जो नीचे के हैं वो इसे बोलते हैं लोअर बीच। एबेकस की वैल्यू क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। एबेकस का ये सेंटर पॉइंट है जिसके ये नीचे के जो बीट से इसकी वैल्यू क्या है, वन 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 वन। नीचे के जितने भी बीट्स हैं इसकी वैल्यू क्या है, वन। जो अपर बीट से इसकी वैल्यू क्या है, फाइव। जो लेफ्ट साइड में अप सेकेंड इसकी वैल्यू क्या है, टेन 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 टेन। इसके जो अपर बीट से इसकी वैल्यू क्या है, फिफ्टी। उसके बाजू में इसकी वैल्यू क्या है, फाइव हंड्रेड। इसकी वैल्यू क्या है, हंड्रेड 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 हंड्रेड। मतलब जो भी अपने लेफ्ट साइड में है, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड, और लेफ्ट साइड में जो ये राइट साइड में है बिट्स, उसकी वैल्यू है पॉइंट। ये एबेकस पे सिखाने वाली हूँ, पर आपको घर पे ये एबेकस पे प्रैक्टिस करना होगा। एबेकस अब हमें कैसे पकड़ना है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जो राइट हैंड के बच्चे हैं उसे ध्यान से देखें। ये जो हमारी पेंसिल है इसे हम लिखने के लिए कैसे यूज करते हैं ऐसे, पर एबेकस सीखने के लिए हमें पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, और एबेकस जो हमारे ये तीन फिंगर्स हैं, एबेकस को सिर्फ ये तीन फिंगर से पकड़ना है, और ये दो फिंगर से हम एबेकस करेंगे, और जो राइट हैंड है ये चार फिंगर से हम एबेकस सीखने वाले हैं। मतलब कि ये दो फिंगर्स और ये दो फिंगर्स, ये दो और ये दो, ये चार फिंगर्स से हम पूरा एबेकस सीखने वाले हैं। अभी राइट हैंड हमने सीखा, अभी लेफ्ट हैंड जो बच्चे हैं उन्हें कैसे पकड़ना है पेंसिल और कैसे एबेकस पकड़ना है वो हम सीखेंगे। हमें लिखने के लिए हम ऐसे पेंसिल यूज करते हैं लेफ्ट हैंड, पर एबेकस सीखने के लिए हमें ऐसे पेंसिल पकड़ना है, एक थम्स और ये लास्ट फिंगर्स। और एबेकस कैसे पकड़ना है, ये दो फिंगर्स